हाँ जी दोस्तों, दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिक्योरिटी एनालिसिस को तो है ही है, पर एग्जाम में आया हुआ है। उसमें होता क्या है, जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड और रेगुलर दो अटेम्प्ट्स आए, जो डिविडेंड है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि शुरू के 5 साल तक 18% होगा, फिर लीनियर, फिर अगले 5 साल तक लीनियर डिक्लाइन होगा या लीनियर इंक्रीज होगा, इस तरह से लीनियर वाली लैंग्वेज लिखी हुई है। तो सर ये क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस पैनल में थे ही नहीं, ना तो स्टडी मटेरियल में थे। ये क्वेश्चन सीएमए से उठाए गए, पर ओल्ड सिलेबस में, ये जो है ओल्ड सिलेबस में रेगुलर दो अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आए हुए हैं 8-8 नंबर के। नया क्वेश्चन था, जो समझ के कर लिया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं किया उनको तो दिक्कत हुई होगी, पर हो सकता है कि ये अब न्यू सिलेबस में भी दे दे। आखिर सिक्योरिटी वैल्यूएशन हमारे चैप्टर में तो आ ही सकता है। तो ये ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस दोनों ही, जो बच्चे दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के काम आएगा ये दोनों क्वेश्चन। सर क्वेश्चन क्या था, तो दोनों ही एग्जाम के क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से पढ़ना बेटे, नया क्वेश्चन है, ठीक है सर। तो क्वेश्चन में ये लिखा है, एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग द परचेसिंग द इक्विटी शेयर्स। मतलब सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। क्या करना है सर जी, परचेस करना है। परचेस क्या करना है, इक्विटी शेयर परचेस करना, ठीक है। और शेयर का अभी प्राइस कितना है, 150। तो नो डाउट कि हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा। वैल्यू कम आती है या ज्यादा आती है उसके हिसाब से हम ये देखेंगे कि जो सिक्योरिटी है ये अंडर प्राइस है या ओवर प्राइस है, और फिर डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो करंट मार्केट प्राइस तो 150 ही हमको पता लग गया। द कंपनी इज, यहां से लाइन इंपॉर्टेंट, द कंपनी इज प्रपोजिंग अ डिविडेंड ₹6 फॉर द नेक्स्ट ईयर। सर इसका मतलब क्या हुआ है, D0 की D1, शायद ही कोई बेवकूफ होगा जो इसको D0 बोलता होगा, ये D1 ही है सर। आप कैसे भी कर, कैसे पता, प्रपोजिंग लिखा हुआ है, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है, इसका मतलब ₹6 जो है वो D1 है, 1 साल बाद का डिविडेंड। और बोल रहा है एलेक्स इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट 18% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स, और आने वाले 4 साल में जो ग्रोथ रेट है वो कितना परसेंट है, 18%। यहां बच्चा फंस गया, यही एग्जाम में दिक्कत हुई है। सर इसका मतलब D1 है ₹6, तो जो फर्स्ट ईयर है उसके बाद वाले 4 साल तक देखना है क्या, यहां प्रॉब्लम आ, लैंग्वेज में टेंशन है। अगर वो बोलता आज से 4 साल, वो बोल रहा अब समझ में नहीं आ रहा, बोले आने वाले 4 साल, आने वाले 4 साल मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। इसका मतलब ये मान के चलूं कि जो ₹6 डिविडेंड दिया उसमें 18% ग्रोथ आज से 18% करके दे दिया है, और आने वाले 3 साल में 18% से बढ़ाना है, यही मतलब हुआ अभी तक। दूसरे बच्चे ऐसा सोच सकते हैं, सर फर्स्ट ईयर का ₹6 और उसके बाद से 4 साल, ये इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा दिक्कत कर रही है। सर यहां तक प्रॉब्लम नहीं, आगे क्या दिक्कत है, द ग्रोथ रेट विल डिक्लाइन लीनियरली टू 14% पर एनम आफ्टर फर्स्ट 4 ईयर्स। यहां साफ साफ और दिया है सर जी, ऐसा है कि 18% पहले वाले 4 साल तक, और उसके बाद डिक्लाइन होगा, और डिक्लाइन आने वाले 4 साल तक डिक्लाइन होगा, और डिक्लाइन होके 8वें साल में 14% हो जाएगा। सर इसका मतलब क्या हुआ, लीनियरली डिक्लाइन का मतलब क्या हुआ। सर जी अभी कितना परसेंट ग्रोथ है, 18 फर्स्ट ईयर, समझा रहा हूं इसको ऐसे समझ लेते हैं। ये लो भाई, ठीक है, और ये हो गया हमारा 0, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां डिविडेंड कितना है ₹6, फिर ग्रोथ रेट कितना 18%, फिर कितना 18%, फिर कितना 18%, यही मानना पड़ेगा आपको। आप ये नहीं बोल सकते कि ₹6 यहां तो इसके बाद 4 साल, कैसे पता लग रहा, दो लाइन, पहली लाइन बोल रहा है कि 4 साल तक, दूसरी लाइन बोला आफ्टर फर्स्ट, आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर फर्स्ट 4 ईयर्स, जो
जो ग्रोथ है वो 18% से ये 18% है। तो इसके बाद ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन और ये एट। तो बोले इसके बाद डिक्लाइन होगा और डिक्लाइन होकर कितना परसेंट रह जाएगा, 14%। ठीक है, तो 14% जो है वो 18% से 14% तक हो जाएगा। और बोले हर साल डिक्लाइन होगा और लीनियर, लीनियर का मतलब है एक जैसा। तो लीनियर एक जैसा ग्रोथ रेट, बताओ बेटे 18% से मुझे कितना परसेंट करना है, 14 आने वाले चार साल में। तो हर साल कितना परसेंट से ग्रोथ रेट डिक्लाइन किया जाए कि चार साल बाद कितना हो जाए, 14%। इसका मतलब हर साल सर 1-1% से डिक्लाइन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ डिफरेंस कितना है, 4% हमें कम करना है और टोटल ईयर कितने हैं, 4। तो हर साल कितने कितने परसेंट से कम करना पड़ेगा, 1-1% से। इट मीन्स यहाँ ग्रोथ रेट कितना होगा, 17, यहाँ कितना हो जाएगा, 16 और यहाँ कितना हो जाएगा, 15 और इसके बाद कितना हो जाएगा, 14। दैट्स इट सर। इसका मतलब ये हुआ कि 6 रुपये यहाँ डिविडेंड है, फिर 18% से बढ़ेगा, फिर 18% से बढ़ेगा, फिर 18% से बढ़ेगा, फिर 17%, फिर 16%, फिर 15% और सातवें, फिर ध्यान से समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझो सर। इसके बाद ग्रोथ रेट परपेचुअल कॉन्स्टेंट हो जाएगा। हाँ सर, कौन से साल के बाद, 8वें साल के बाद, 8th ईयर के बाद कि 7th ईयर के बाद, इंपॉर्टेंट है सर। ग्रोथ रेट परपेचुअल फिक्स हो जाएगा 8th ईयर के बाद होगा कि 7th ईयर के बाद, बताइए सर। 7th ईयर में कितना रहेगा, 15%, बिल्कुल ध्यान, 7th ईयर में 15 और 7th ईयर के बाद से कितना हो जाएगा, 14%। दैट्स इट सर। एक समस्या है, बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से, इंपॉर्टेंट है जो अच्छे से किए। जब हमें वैल्यू निकालना, वैल्यू फर्स्ट ईयर का डिविडेंड, सेकंड ईयर का डिविडेंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ ईयर, उसके बाद हम टर्मिनल वैल्यू निकालते। टर्मिनल वैल्यू का मतलब हमें जो निकालना पड़ेगा वो P7 निकालना पड़ेगा कि P8 निकालना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट। इट मीन्स हमें 8th ईयर का डिविडेंड भी कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बेवकूफी वाला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो। पर यहां तो बड़ी दिक्कत है, 8th ईयर का डिविडेंड कवर करे कि नहीं करे, 7th ईयर का तो करना है। हम 8th बिट्टे बाद P7 निकालोगे, बिल्कुल ध्यान से, P7 निकालोगे तो उसमें 8th ईयर उसके बाद वाले सारे डिविडेंड कवर हो जाएंगे। अगर P8 निकालोगे तो 8वें साल का तो डिविडेंड आना ही लाना पड़ेगा, फिर 9th ईयर उसके बाद वाले सारे डिविडेंड कवर हो जाएंगे। आप कैसे भी करो आंसर तो एक जैसा ही आएगा, इसको मैं करके बता दूंगा। सजेस्टेड में क्या कर रखा है, सजेस्टेड में ये कर रखा कि उसने 7th ईयर तक तो लिया डिविडेंड और उसके बाद 8th ईयर का डिविडेंड से और उसके बाद वाला डिविडेंड लेके उसने सीधा सीधा P7 निकाल लिया, बात खत्म। बहुत सारी प्रॉब्लम है। पहली सुनना, अगर मैं होता इस क्वेश्चन को तो मैं कैसे करता, मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ ईयर, 8th ईयर का डिविडेंड लेता और P8 निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता, बात खत्म। और 8 साल का तो फैक्टर दिया है, मैं दोनों ही तरीके से करवा दूंगा, प्रैक्टिस मैनुअल है, जैसे कि आंसर तो एक ही आएगा सर, आंसर तो एक ही आएगा, क्या फर्क पड़ा। आओ तो क्वेश्चन बनाए। हाँ जी, क्वेश्चन बनाए, क्या मांगा है आपसे, एक तो मांगा है इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, और क्या मांगा है कि बताइए शेयर परचेस करना चाहिए कि नहीं, और फैक्टर भी देखा है 8th ईयर तक का फैक्टर दे रखा है। कुछ मिसप्रिंट हुआ था क्वेश्चन में, जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना, उसको सजेस्टेड में सही करके उसने बोला कि भैया सर हमसे मिस्टेक हो गई थी, आप देख लें, फैक्टर में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। अब एक तो प्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैं प्रेजेंटेशन वाला पार्ट अच्छे से करवा दूँ, ज़्यादा अच्छा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो डिस्कशन होगा, जहाँ जो प्रॉब्लम आई है इस क्वेश्चन में दो जगह प्रॉब्लम है, मैं भी खुद भी कंफ्यूज है। एक तो प्रपोजिंग डिविडेंड 6 रुपए बोला और बोला फिर 4 साल तक 18% का ग्रोथ होगा, तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि 4 साल कहाँ से ले भाई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसा ले ले, या फिर इसी में हम मान ले कि इसमें तो 18% है ही और इसके बाद 4 साल है, ये ज्यादा अच्छा।
दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरे प्रॉब्लम में मुझे बिल्कुल कंफ्यूजन ही नहीं है। इट मीन्स अगर मैं ये करता तो मैं सीधा 8 साल तक लेता और 8वें साल का आंसर, पर प्रैक्टिस मैनुअल ने 7 साल। बात एक ये, मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रॉपर में जैसे क्वेश्चन सॉल्व करता मैं वैसे 8वें साल तक करवाता हूँ, 8th ईयर तक प्रॉपरली, और जो आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ पीडीएफ वगैरह जो भी होगा सॉल्यूशन में, मैं आपको प्रैक्टिस मैनुअल का सॉल्यूशन दे देता हूँ जिसमें 7th आंसर एक ही आएगा, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है सर, तो सर इसको सॉल्व करें। यस, सॉल्व कैसे करना, टेबल वाले फॉर्मेट में हम सॉल्व करें। टेबल बना लेते हैं और लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू पर। कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू पर, कॉलम में एक तो आ जाएगा हमारा ईयर, ठीक है, ईयर के बाद यहाँ ग्रोथ रेट, उसके बाद आ जाएगा हमारा डिविडेंड, और डिविडेंड के बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ठीक है सर, इसका मतलब ये हुआ, यहां लिख लेते ईयर, यहां ग्रोथ रेट, यहां जाएगा कैश फ्लो, डिविडेंड लिख दूं चलेगा, डिविडेंड, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कितना परसेंट पे डिस्काउंटिंग करना, 18% पे डिस्काउंटिंग करना, बोलर भी रखा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है, 18%, और क्या जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ठीक है सर, ईयर फर्स्ट ईयर ग्रोथ रेट की जरूरत नहीं, रुपीज 6 करके लिख देते हैं, बाकी तो रुपीज, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बाद में लेते हैं। ठीक है, अब सेकेंड ईयर कितना परसेंट, 18%, तो 6 + 18% 7.08। थर्ड ईयर में ग्रोथ रेट कितना है, 18%, फोर्थ ईयर में ग्रोथ रेट कितना है, 18%, 9.86। फिफ्थ ईयर में ग्रोथ रेट 17%, 11.53। सिक्स्थ ईयर में ग्रोथ रेट ले लेते हैं 16%, 13.38। सेवंथ ईयर में ग्रोथ रेट ले लेते हैं कितना, 15%, 15.39। अब मैं क्वेश्चन यहीं खत्म कर सकता हूं, सीधा P7 निकालूं, काम खत्म करूं, पर मैं अपने हिसाब से 8th ईयर में ग्रोथ रेट 14%, 17.54, और हमें 8th ईयर में ही क्या निकालना पड़ेगा, टर्मिनल वैल्यू, मतलब P8 कहां से निकलेगा, वर्किंग नोट नंबर 1, ये बना लेते हैं, लिखो के वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्राइस एट दी
एंड ऑफ एट दिया, मतलब हमें क्या निकालना, पी एट, पी एट का फॉर्मूला क्या बनेगा, डी नाइन डिवाइडेड बाय के माइनस जी। अब डी नाइन मतलब आपको ये देना पड़ेगा, दिस इज 17.54, डिवाइडेड 0.18 माइनस 0.14, 19.99, मतलब 20 ले लो इसको, डिवाइडेड 0.04, 499,500 ले लेते, ठीक है। अब 500 को हम यहां पुट कर लेते, 500, ये वर्किंग नोट आपके पास होना चाहिए, वर्किंग नोट नंबर 1 रहेगा जिसमें आप 8th ईयर की वैल्यू निकालोगे। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है, जो दिया है उठाना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइड 1.18, 0.847, 0. दिया हुआ है, आप वो लिखिए, मेरे पास है नहीं है तो हम इसी से काम करेंगे, 0.609, 0.516, 0.437, 0.37, 0.31, 4, 0.266 और यहाँ भी 0.266। बस अब वैल्यू लिखते हैं, काम खत्म हो जाएगा। 6 × 0.847, 5.08, 7.08 × 0.718, ये भी 5.08। हाँ भाई, 18% का ग्रोथ है, और 18 में तो बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, 18% का ही ग्रोथ है और 18% ही आपका फैक्टर है, तो कहाँ तक आएगा ये, पर ठीक है मैं करते हुए चलता हूँ। 8.35 × 0.609, आंसर उतना ही आएगा, 5.08, और 9.86 × 0.517, 9.86 × 0.516, 0.9 ले लूँ एक हाथ, 11.53 × 0.437, 5.04, 17.54 × 0.266, 4.66, and last 500 × 0.266, 133। Final answer देख लेते, 4.66 plus 4.83 plus 4.995 plus 5.04 plus 5.08, तो ये आंसर आ गया फाइनल 172.81, दिस इज फाइनल आंसर। तो ये आंसर है आपका। अब प्रैक्टिस मैनुअल में भी ना ऐसे ही कर रखा, बस प्रैक्टिस मैनुअल ने ना काम कहाँ खत्म कर दिया, उसने पी से वन निकाल के बात एक ही आंसर वही आएगा। अब हमें डिसीजन लेना है कि हमें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। बताओ बेटे, शेयर का करंट मार्केट प्राइस कितना, 150 में शेयर खरीदिए
और अगर शेयर खरीद के आप रखते हो 8 साल या उसके बाद परपेचुअल, तो आपको कितना पैसा मिलेगा? आपको मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू 172। अच्छा ना यार, 150 लगाइए और 172 कमाई है। अंडर प्राइस क्यों? और प्राइस अंडर प्राइस सस्ता मिल रहा है, हेंस इट शुड बी परचेज। तो बस डिसीजन लिख देते हैं। सिंस करेंट मार्केट प्राइस ₹150 इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, hence it is underpriced and should be bought. That's it. तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद और एक क्वेश्चन है जो इस अटेम्प्ट में है, वो भी करवा देता हूँ मैं आपको। ठीक।